ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि एसपी साहब हैं, एडीसी मैडम हैं और एसडीएम साहब हैं जो निरीक्षण कर रहे हैं। कल होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले जो है वो निरीक्षण करने पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए कि किस प्रकार का मतलब कल का कार्यक्रम होगा उसकी व्यवस्था के ऊपर किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, तो एडीसी मैडम, एसपी साहब और लोहारू के माननीय एसडीएम साहब ने कुछ मुख्य मांगे या कुछ आपने एजेंडा बना रखा हो गाँव का लेकर के भी उनके सामने समक्ष रखें। पूरे मांगे तो पूरे हल्के की भी हैं और गांव की तरफ से भी मैं अपनी मांगे रखूंगा, वो अपना मांग पत्र रखूंगा मंत्री जी के सामने, सीएम साहब के सामने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। सिंघानी गांव के अंदर मौजूद हूं और काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही हैं कि 24 दिसंबर को कल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी लोहारू की धरती पर एक बार दोबारा से पधार रहे हैं और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, लोहारू हल्के के अंदर अनेकों जो हैं उन्होंने कार्य किए हैं किसानों के लिए, उन्हीं की एक बड़ी सौगात जो है वो कल लोहारू क्षेत्रवासियों को मिलने वाली है। और पुलिस फोर्स दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पे किए गए हैं। इधर से गाड़ियाँ का जो खड़े रहने का जो अलग पार्किंग है वो दूसरी साइड से बनाया गया है और इधर से मैं दिखाना चाहूँगा कि सिंघानी गाँव की तरफ जब एंट्री आप करेंगे तो अलग अलग आपको बैरिगेड्स लगाए हुए नज़र आएंगे, पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा क्योंकि भाई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो आपको पता ही है कि इंतज़ाम पुख्ता कितने होंगे। ये शहीद स्मारक स्टेडियम है, इसको कुछ समय पहले बड़ी सौगातें दी थी क्योंकि भाई सिंघाणी गांव जो है वो पुराने मैं कहूँ यहाँ पे नवाब के समय से ही हमेशा चर्चा के अंदर रहा है और पीछे यहाँ पे माननीय दुष्यंत चौटाला जी भी आए थे जो हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम हैं और कल जो है वो एक बड़ी सौगात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। मैं इंतज़ाम पुख्ता बता देता हूं और रैली बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि किसान सम्मेलन है, अन्नदाता सम्मेलन है, वो बड़ा होने वाला है और पुलिस की बड़ी कहना चाहूँगा कि पहरेदारी है यहाँ पे, हर एक तरफ जो है वो चक्का जाम कर रखा है। किसी भी प्रकार के कल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर संख्या के अंदर लोग पहुँचने वाले हैं और कुछ दिन पहले यहाँ पर वीरों की भूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस गाँव से बहुत ज़्यादा शहीद हुए थे, कुछ गोलीकांड हुआ था जिसके अंदर नवाब के समय के अंदर, जिसे सिंघानी के लोगों ने जमकर जो है वो डटकर मुकाबला किया था। मैं बता देता हूँ कि इस महा सम्मेलन के अंदर बड़े बड़े नेता लोग दिखेंगे आपको, विप्लव कुमार जी जो हैं वो हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी की तो भी देख रेख के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी भी पहुँचेंगे और हरियाणा के नए जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं सैनी साहब वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे, नायब सिंह सैनी, बनवारी लाल जी हैं वो भी पहुँचेंगे और थोड़ी सी तस्वीरों के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा कभी यहाँ पे तस्वीरों के अंदर सिस्टम जो चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा भाई। अन्नदाता सम्मेलन जो कार्यक्रम है इसके अंदर काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और भाई ईसर से तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे कि भी बैनर हैं इसके अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं उन सभी की बैनर लगी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और उसके बाद में अध्यक्षता हो रही है श्री जेपी दलाल जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उसके बाद विशिष्ट अतिथि होंगे नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सरकार के और जो विशेष रूप से अतिथि रहेंगे विप्लव कुमार देव जी प्रभारी हैं। और सामने की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे होंगे कि भी ये पंडाल होगा कल, खचाखच जो है ये पंडाल आपको भरा हुआ नज़र आएगा, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, पुलिस की मौजूदगी है आगे की भाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि एसडीएम साहब भी हैं, डीसी साहब भी हैं, लगातार जो है वो देख रेख चल रही है, किसी प्रकार की कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी इस पर, इसीलिए जो है पुलिस प्रशासन पूरा जो है वो यहाँ पे सिंघानी गांव के अंदर छोड़ दिया गया है। और ये स्टेडियम है, इस स्टेडियम के अंदर काफ़ी नेता लोग आ चुके हैं इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार इस ग्राउंड के अंदर होंगे, बड़ी बड़ी सौगातें होंगी जो देंगे। एक बार विशेष चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है भाई, इस मनोहर लाल जी खट्टर जी हैं जो यहाँ पे अनेकों करोड़ रुपए की सौगात जो है वो यहाँ के क्षेत्र को देने वाले हैं। बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किया गया 279 लाख रुपए से बने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल का जो है वही उद्घाटन करेंगे और पीडब्ल्यू विभाग की तरफ से झांझरा टोडा श्योरण रेलवे अंडरपास जो है वो 763.81 लाख रुपये गाँव गोढ़ा रेलवे अंडरपास की लागत से है, सोहासड़ा अंडरपास है, गाँव बरालू का अंडरपास है, लोहारू की नई सब्जी मंडी का है, कुड़लबास से सिरसली वाया श्यामकला लिंक रोड है, मतलब इस प्रकार के अनेकों जो हैं वो करेंगे यहाँ पे और तैयारियाँ हम देख रहे होंगे, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे।
ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे एडीसी मैडम हैं, एसडीएम साहब हैं जो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और यह हैं पुख्ता हैं, थोड़ी सी निरीक्षण जो है वो चल रहा है और थोड़ी सी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन कल की तस्वीरें हम आपको लाइव ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि कल आप सजग संसार चैनल के माध्यम से आज अगर नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वही अभी हमें सिंघाणी गाँव के सरपंच महोदय मिले हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनके अध्यक्षता में कहूँगा गाँव की, वैसे तो कृषि मंत्री जयप्रीत दलाल जी की अध्यक्षता है लेकिन गाँव के अंदर इनका प्रमुखता से देखा जाता है। तो सरपंच साहब सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जी जी जी। तो क्या सौगातें इस क्षेत्र को अंदर मिलने वाली हैं और कितना बड़ा प्राउड फीलिंग होगा कि सिंघाणी गांव के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सिंघाणी पंचायत की तरफ से जो हरियाणा के और पॉपुलर जो हमारे नेता जो हैं माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, उनके सहयोग से लुवारू को जो चार चांद, जो पूरे हरियाणा में लुवारू का जो नाम देश प्रदेश में जो नाम गया है, उनके उनके कारण ही यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। उन्होंने गुजारिश करने के बाद में यहाँ ये गांव सेलेक्ट किया है, ऐतिहासिक गांव है तो हम चाहते हैं कि उनका भव्य स्वागत करें। चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे ये बहुत बड़ा जो लाखों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी होगी उनकी बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाएंगे। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने पहले भी इस हलके के ऊपर काफ़ी अपना आशीर्वाद दिया है और हम चाहते हैं कि अब भी हमें बहुत सारी सौगातें मिलेगी, यही हमारा हमें उनके ऊपर विश्वास है और ऐसा हमें लगता है। लगातार कितने दिन से आप लगे हुए हैं, क्योंकि देखो गांव के अंदर प्रोग्राम हो रहा है तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी बनती है, कितने दिन से लगातार सफाई की व्यवस्था को या अन्य व्यवस्थाओं के अंदर लगे हुए हैं? देखो मेहनत तो करनी पड़ती है और गांव के अंदर पहुंचेंगे बहुत तो मुख्य दायित्व भी बनता है, मेन दायित्व भी बनता है और हमें स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमें इस मौके को हम गंवाना नहीं चाहते हैं। पूरे इलाके में साफ सफाई का काम हुआ है, हर आदमी के जन जन तक ये एक भावना पहुंचती है, हम हर आदमी का एक ये मतलब अपने नेता के प्रति, माननीय मंत्री जी के प्रति, जयप्रकाश दलाल जी के प्रति सभी की आस्था है, वो सब यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होकर के और अपने चेहते नेताओं की बात सुनेंगे। तो कुछ जैसे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, सांसद जी भी पहुँचे हैं और मंत्री जी तो आते रहते हैं, कुछ मुख्य मांगे या कुछ आपने एजेंडा बना रखा हो गाँव का लेकर के भी उनके सामने समक्ष रखेंगे? देखिए बिल्कुल, पूरे मांगे तो पूरे हलके की भी हैं और गाँव की तरफ से भी मैं अपनी मांगे रखूँगा, वो अपना मांग पत्र रखूँगा मंत्री जी के सामने, सीएम साहब के सामने, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। तो मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्राम की तैयारियाँ चल रही हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हर आदमी में जोश जुनून है और चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के लिए इतना सब कुछ किया है, उन महापुरुषों को याद करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और लाखों की भीड़ आकर के उनको याद करेगी, जो उन्होंने जो किसानों के लिए जो काम किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं तो उनकी बातें हम सुनेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे पूरे इलाके हल्का है जो पूरा लोहारू का, उनकी अच्छी सौगातें दे करके जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई ये थे हमारे साथ सरपंच महोदय। देखो युवा हैं और युवा सोच है, क्योंकि जब अपने गांव के अंदर एक सरपंच प्रतिनिधि जब एक अपने गांव का आगमन करते हैं, स्वागत करते हैं और सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुँचे तो गांव के लिए देखो मुख्य मांगे तो प्रत्यक्ष रूप से बनते ही हैं भाई, अपने गांव के मुख्य मांगे रखें, लेकिन हल्के की भी बहुत सी मांगे हैं जो माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी भी रखेंगे और बहुत से करोड़ों रुपये का शायद शिलान्यास भी कल मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से करके जाएँ। ये हारू हल्के के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। पीछे कुछ दिनों पहले खरकड़े गाँव के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, तो ये पहला समय नहीं है कि लोहारू हलके के अंदर मुख्यमंत्री जी पहली बार आ रहे हों, बशर्ते बहुत सारे लोगों का कहना होगा भी यहाँ हलके के लोगों को क्या मिला है, लेकिन वो आप लोग जानते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइएगा कि भाई जैसे हमारी कोई वार्तालाप हो या मंत्री जी से बातचीत हो तो क्या ऐसी चीज़ें रही होंगी जो इस हलके के अंदर आप लोगों की वजह से नहीं उठ पाई हो, तो हम भी अपनी बातें रखने का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आप सिंघाणी के ग्राउंड जो शहीद स्मारक स्टेडियम है वहाँ से देख रहे हैं और कल की तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे, कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। भाई मुकेश गौड़ जी हैं युवा आयोग के चेयरमैन, युवाओं के लिए मैं कहूँ तो एक जाने माने चेहरे कह सकता हूँ और अभी कुछ समय पहले इनके साथी जो लोग वो भी मिले थे। तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार भाई जी, ठीक हो? हाँ मैं अच्छा हूँ। तो लोहारू हलके में पहुंचे हैं आप, भिवानी हमेशा चर्चा में रहते हैं आप किसी भी बात को लेकर के, वो लोहारू में इस प्रकार का जो कार्यक्रम हो रहा है क्या किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब से दलाल साहब यहाँ पर विधायक बने
मैं तो ये कहूंगा कि जब से दलाल साहब ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा है, पिछले 9.5 साल का उनका जो कार्यकाल है, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे रहे चाहे वो ना चुने गए, उन्होंने जनता का यहाँ पर भला करने का काम किया, किसानों के हित की आवाज को उठाया, और किसानों के हित में जो दलाल साहब ने काम किए मुझे नहीं लगता कि आज तक इतिहास में किसी ने इतने काम किए। कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी आए हैं, अनेकों सौगातें इस हलकों के दी हैं, तो कल कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए कल क्या मिलेगा वो तो मुख्यमंत्री जी को और दलाल साहब को शीर्ष नेतृत्व को पता, परंतु मुझे ये पता है कि यहाँ कल की जनसभा को लेकर के लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और भिवानी से भी बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आने वाले हैं। लुहारू की मैं बात करूँ तो लुहारू का तो कोई मुकाबला ही नहीं, एक के गांव के अंदर सैकड़ों लोग, एक के गांव से 100-100, 200-200 लोगों की संख्या, बड़े गांव वहाँ से और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में आने वाले लोग हैं। तैयारियों से आप जायजा लिया तो देख रहे हो कि तैयारियां भी किस प्रकार की जबरदस्त तैयारियां हैं, ये एक ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर होने वाली है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो भैया थे युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ जी, जिनका नेतृत्व हमेशा रहता है, भिवानी में हमेशा चर्चा में रहते हैं किस बातों को, युवाओं की बातों को उठाने को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि भाई लोहारू हलके के अंदर जो दलाल साहब का कार्य है या फिर मंत्री जी पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी, तो वो कुछ बड़ा ही देंगे। तो कुछ अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।